सीएए को लेकर हिंसा हुई और ये बार बार आरोप लगा बीजेपी पर और सरकार पर कि कानून के बारे में लोगों को समझाया भर नहीं गया, ढंग से लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अब बीजेपी एक अभियान के तहत लोगों को समझाने वाली है, बताने वाली है कि आखिर ये कानून है क्या, इस कानून में किस तरीके से लोगों के लिए सुरक्षा है, लोगों को नागरिकता उनकी खत्म नहीं की जा रही बल्कि उनको नागरिकता दी जा रही है। विपक्ष के सवालों का जवाब भी जेपी नड्डा कुछ ही देर में शुरुआत करने वाले हैं गुजरात के वडोदरा से एक रैली के जरिए। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, समझिए। देश में सीए का विरोध, बीजेपी का जन जागरण अभियान, क्या बीजेपी दूर कर पाएगी लोगों का डर? सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर विरोध की सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब बीजेपी ने विरोध के इन्हीं सुरों को थामने के लिए आज से एक अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है जन जागरण अभियान। इस अभियान के तहत बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून को लोगों तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर इस अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है बीजेपी का अभियान। सीएए को लेकर 20 दिनों तक यह अभियान चलेगा। बीजेपी घर घर जाकर सीएए पर लोगों से बात करेगी। बीजेपी का देश भर में 1000 रैलियों का कार्यक्रम है, जहां पूरे देश में 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वहीं पंचायत और वार्ड स्तर पर बैठकें होंगी। हर जिले में रैलियां और बुद्धिजीवी सम्मेलन होंगे। बीजेपी के नेता लोगों के बीच जाकर कानून पर बात करेंगे, लोगों के बीच जाकर उनके सवालों संशयों का जवाब देंगे। मशहूर हस्तियों को भी अभियान का चेहरा बनाएगी बीजेपी। भले ही इस अभियान का नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हों, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की है। सीएए को लेकर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा, लिहाजा अब बीजेपी ने अपने जन जागरण अभियान के जरिए सीएए को लेकर पाठशाला चलाने की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि बीजेपी सीएए को लेकर लोगों को कितना जागरूक कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।